इस वक्त हमारे साथ आशीष गौतम के कोच प्रताप सेलार जी भी हैं। मैं उनसे भी कुछ सवाल मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह से उन्होंने उसको प्रशिक्षण दिया, तब जाकर राज्य स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला। चूंकि अब कोच हैं और जब इसने राष्ट्रीय स्तर का जब पुरस्कार भारत पुरस्कार जीता तो आपको कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। मुझे मतलब डाउट था कि आशीष लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन इसको जाते वक्त मैंने बताया था तू पहले टीम के लिए खेल, फिर बाद में खुद के लिए खेल, तेरे वजह से टीम जीतना चाहिए और उसके क्या होगा, तेरे से स्कूल का नाम होगा, हम लोग का क्लब का नाम होगा, फिर हम लोग का नाम होगा, लेकिन ऐसा मत खेल, तू सेल्फ गेम वहाँ पे मत खेल, तू वहाँ पे पूरा टीम की तरफ से खेल। तो उसने वही किया और उसका परफॉर्मेंस हुआ वहाँ पे अच्छा रहा उसके साथ। किस तरह से आशीष गौतम को आपने शुरुआत कराई और कितना चैलेंजिंग रहा एक सामान्य प्लेयर को डिस्ट्रिक्ट से उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना? एक्चुअली यहाँ पे आशीष जैसे बहुत खिलाड़ी है, 100-150 खिलाड़ी है आशीष जैसे, और यहाँ पे सिलेक्शन भी होता है, मतलब यहाँ पे सिलेक्शन मैचेस लिए जाते हैं, बहुत 2 महीने में एक बार मैचेस होते हैं उसमें से सिलेक्शन होता है। आशीष पहले बहुत छोटा था, 8-9 साल का रहेगा, तभी उसको एक देखा था मतलब खेलते हुए, आशीष खेलता है अच्छा, स्वप्निल उसका प्रैक्टिस लेता था, स्वप्निल ने बताया कि ये लड़का अच्छा खेल रहा है, तो मैंने भी सिलेक्ट किया उसको, ठीक है अच्छा खेल रहा है। फिर बाद में पता चला कि वो स्कूल में ही नहीं जाता, मतलब कुछ तो उसका फीस का प्रॉब्लम था, फिर कमलेश सर के पास में इसको लेके गया, ऐसा प्रॉब्लम है करके बताया, तो कमलेश सर और सोनोनी साहब ने उसको यहाँ पे एडमिशन दिया, फिर यहाँ से उसका स्टार्ट हुआ गेम पर, फिर उसने पूरा ध्यान गेम पे दिया, ऐसे नहीं वो बाकी हम लोग के इधर बहुत सारे लड़के हैं, 100-150 लड़कों में से इसका थोड़ा प्रैक्टिस करने का मतलब सब ये दूसरे से बेहतर है, सुबह आता है खुद का प्रैक्टिस करता है और बाकी लोग प्रैक्टिस जाने के बाद भी अकेला प्रैक्टिस करते हुए बैठते हैं, मतलब बाकी ऐसे बहुत से कम प्लेयर रहते हैं जिनका हुनर ये टाइप में रहता है, और शाम का भी प्रैक्टिस वो रेगुलर मतलब बच्चे लोग में भी करता है, फिर बड़े लोग में जो ओपन की टीम है वो लोग में भी करते हैं, इसके लिए उसके गेम में बहुत चेंजेस आए। और मेन एक्चुअली इसका मेन प्रॉब्लम डाइट का था, मतलब डाइट का उसके फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं, इसका मतलब यहाँ का बहुत जन का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फिर इसको डाइट के लिए पूरा सहयोग गौतम ही किया, जब ये नेशनल में जा रहा था तब उसको डाइट कम से कम 1 महीना पहले उसका डाइट चालू था, मतलब हम लोग को भरोसा था कि इसका सिलेक्शन होगा अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा था, और तभी डाइट के वजह से बहुत फ़र्क पड़ा उसके। एक चीज़ जब आपने सिलेक्शन का नाम लिया, क्योंकि ऐसे जो खासकर ये जो इलाका है ऐसे यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसे में खोखो एसोसिएशन जो है फेडरेशन ने इसको एक खेलने का चांस दिया, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं थाने खोखो एसोसिएशन की जो सिलेक्शन प्रोसेस थी और उसमें सबसे अहम रोल किसका रहा आपके हिसाब से? एक्चुअली ठाणे जिला खोखो एसोसिएशन का मैं सबसे ज़्यादा आभार मानता हूँ कि आशीष को संधि दिया खेलने को, और उसके बाद महाराष्ट्र खोखो एसोसिएशन जो कि उनके मेन डॉक्टर चंद्रजीत जाधव और एडवोकेट गोविंद शर्मा सर है, उन्होंने इसको संधि दिया। एक्चुअली वो लोग बहुत खोखो को ऊपर लेके जा रहे हैं और हम लोग का उनको भी बहुत सपोर्ट है, वो लोग का हम लोग को अच्छी तरह सपोर्ट है और वो लोग ने बहुत हेल्प किया ये टाइम हम लोग। बहुत बहुत सही कहा आपने, शायद इसी परफॉर्मेंस और मेहनत का नतीजा है कि आशीष गौतम वहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा और ना सिर्फ पहुँचा बल्कि उस कंपटीशन को भी जीता और राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी हासिल किया।